आप देख रहे हैं न्यूज बास्कोप। मेरे साथ इस वक्त कलवीरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी के उम्मीदवार सौरभ विभव 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 का जी, क्योंकि आप युवा हैं, निश्चित तौर पे आपके पिताजी थे ही। किन मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा जो लगता है जो कमी की जो लोग पहले से हैं विधायक वो नहीं कर पाए, आप करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कलवीरा के माता पिता और मेरे युवा साथी को झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। आज देखिए, जब से 2005 से लेकर 2014 तक जब झारखंड पार्टी थी, उसके बाद जब झारखंड पार्टी हमारे कलवीरा विधानसभा से हटी है, तो यहाँ कलवीरा विधानसभा में यहाँ पे समस्या का अंबर लगा हुआ है। आप कहीं पे अब चारों तरफ घूम के देखिए, जो 2005 से लेकर झारखंड 14 तक झारखंड पार्टी के कार्यकाल में हुआ था वही दिखेगा। आज देखिए, जो सड़क झारखंड पार्टी के द्वारा बनाया गया था, उस सड़क का क्या स्थिति हो गया, उसको यहाँ के वर्तमान विधायक 2 बार जीते लेकिन किसी भी तरह का रिपेयरिंग नहीं किया। आप जिस गाँव में हैं, यहाँ के जनता से पूछिए, यहाँ के माता पिता से पूछिए कि यहाँ पे विधायक 2 बार जीता लेकिन 1 बार भी आया क्या? जिस गाँव में मैं अघरमा में खड़ा हूँ, आप पूछ सकते हैं, खुद आप यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या मुद्दे होंगे, आप क्या चाहेंगे कि जो सबसे रोजगार बेरोजगार पलायन ये सब तो बड़ी? सबसे पहले देखिए, मैं फोकस करूंगा जीतने के बाद एजुकेशन में करूंगा, हेल्थ में करूंगा और एग्रीकल्चर में करूंगा, क्योंकि आज देखिए यहाँ पे बिना एजुकेशन का कोई भी युवा का या किसी का भी जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आज अच्छा एजुकेटेड रहेगा तो आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। आज कहीं भी आप फॉर्म भरते हैं तो 10th पास आपको होना पड़ता है। आज हेल्थ के डिपार्टमेंट में अगर देखिएगा तो आज कोई भी यहाँ पे हमारे सिमडेगा जिला के सदर अस्पताल चल जाइए, डॉक्टर तो दूर की बात है, यहाँ सर दर्द की दवाई तक नहीं मिलती है। आज एग्रीकल्चर से हमारा यहाँ रोजगार चल रहा है, एग्रीकल्चर ही एक ऐसे मेन है जिससे हमारे यहाँ के माता पिता या युवा साथी थोड़ा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। तो मेरा 3 फोकस जीतने के बाद सबसे पहले ये रहेगा। और कोई बात है जो कि सीधे लड़ाई किससे माने हम लोग? मेरा लड़ाई किसी से नहीं हुआ है, किसी से नहीं, क्योंकि जिस लड़ाई किससे होता है, जिस कोई अगर विकास किया होता है। आज आप इतिहास गवाह है, हमारा झारखंड राज्य को अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन आप हमारा इतिहास उठा के देखिए कलवीरा विधानसभा या सिमडेगा जिला का, कि जब झारखंड पार्टी जीता है तब जाके यहाँ के लोग को पता चला है कि विकास क्या होता है। तो यहाँ मेरा टक्कर किसी से नहीं है। आप चारों तरफ आप सर्वे कर सकते हैं, क्लीन स्वैप है, जनता पूरा मूड बना चुकी है, इस विधायक से पूरा त्रस्त हो चुकी है और इनको बदलने के लिए 13 नवंबर का इंतजार कर रही है। तो क्या कि युवा को मौका मिले पुराने को नहीं, क्योंकि देखिए 2 बार मौका मिला, लेकिन 5 आप अगर विधायक से मिलेगा तो उनसे जरूर ये क्वेश्चन कीजिएगा, सर आप 2 बार जीते, कोई 5 बड़ा काम आपका बता दिए, आप जरूर उनसे पूछेगा, खुद नहीं बता पाएंगे। कलवीरा से झारखंड पार्टी के उम्मीदवार, इनको विश्वास है कि इस बार जनता इन्हें मौका देगी, क्योंकि अगर इन्हें मौका नहीं देगा तो किसी और को तीसरी बार की बात नहीं होगी, ये करेंगे। क्योंकि इन्हें लगता है कि जब इनके पिताजी की विरासत में इनको मिली है राजनीति, ये चाहेंगे कि वो जो भी काम हुआ फिर आगे बढ़े, और ये चाहेंगे कि खास करके युवाओं के लिए रोजगार और एग्रीकल्चर जो कि सबसे बड़ी उम्मीद है, इस पर ये काम करेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मनीष रास, न्यूज स्कोप कलवीरा। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स ग्रेनाइट सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक हूर मोड डाल्टनगंज शाहपुर रोड गढ़वा झारखंड शर्त लागू। मैं SK मंडल अध्यक्ष SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।